सब लोग, मैं मिसेज रेखा अपने यूट्यूब चैनल कुक विद मिसेज रेखा में आप सबका स्वागत करती हूँ। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और नए नोटिफिकेशंस के लिए, मेरी नए वीडियोस देखने के लिए आप लोग बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। तो फिर चलते हैं अपने किचन में। तो आज हम लोग बनाते हैं क्रिस्पी डोसा घर पर लोहे के तवे पर। तो आप लोग देखिए कितने क्रिस्पी डोसे बन के तैयार होते हैं, वो भी तवे पर, लोहे के तवे पर। तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में डोसे देखिए देखने में लग रहे हैं। इसको हम ऐसे घर पे भी बनाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अपने किचन में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने चावल 1 kg चावल है, ये हमने ओवरनाइट भिगो दिया था। और मोटे चावल डोसा बनाने के लिए लेने चाहिए। तो ये चावल को हमने 1 kg चावल लिया था। तो और 250 ग्राम्स हमने ये धुली उड़द की दाल, ये दोनों हमने ओवरनाइट 7 से 8 घंटे भिगो दिए थे। कम से कम इसको 8 घंटे चाहिए फूलने के लिए अच्छे से। और ये 50 ग्राम हमने चने की दाल ली थी, ये भी हमने ओवरनाइट भिगो दी थी। और 1 टेबल स्पून हमने मेथी दाना लिया था जो डोसे को और क्रिस्पी बनाएगा। तो हम इसको ओवरनाइट भिगो चुके थे, ये हमारे चावल फूल गए। अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। देखिए हमने इसका गाढ़ा थिक पेस्ट तैयार किया, एकदम बिल्कुल स्मूथ। तो आप भी फ्रेंड्स इसको ऐसे ही गाढ़ा पेस्ट थिक तैयार करिए। देखिए हमने सारे चावल हमने पीस लिए हैं। और ये अब धुली उड़द की दाल भी, इसमें हमने 1 टेबल स्पून पानी ऐड किया है, इसका भी एक हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इन सबको हम चावल में के पेस्ट में ऐड करेंगे। सारे जितनी भी चीज़ें हमने भिगोई थी सबको हम एक साथ एक पैन में ऐड करते जाएंगे। मिक्स करना है क्योंकि सबको एक साथ हमको, तो जो बाकी धुली उड़द की दाल बची थी उसको भी हमने दोबारा भी और ग्राइंड कर लिया है। ये चने की दाल और मेथी दाना, इन दोनों को हम एक साथ ग्राइंड करेंगे एक में डाल के, क्योंकि अलग से सेपरेट मेथी दाना नहीं पिस पाता है। तो देखिए मेथी दाना और चने की दाल अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इन सब चीज़ों को हम एक साथ ऐड कर लेंगे और इन सब को मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हम पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। देखिए सबका एक हम थिक पेस्ट तैयार करेंगे। अच्छे से इन सबको खूब चलाना है, मिक्स करना है, कोई लम्स ना रहे इसमें। अच्छे से पेस्ट हमारा मिक्स हो जाए। देखिए अच्छे से हमारा पेस्ट पूरी तरह से मिक्स हो गया है एकदम। देखिए अभी थिक पेस्ट है, पानी अभी हम थोड़ा बाद में इसको ऐड करेंगे। देखिए हमने इसको 7 से 8 घंटे हो गए थे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। क्योंकि पहले ही पानी ऐड कर देंगे तो हमारे पेस्ट जो है वो परमानेंट अच्छे से नहीं होगा। तो हमने इसमें पानी बाद में ऐड किया है 8 घंटे के बाद। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी पर हमको ये पेस्ट रखना है। अब हमारा बैटर डोसा बनाने के लिए रेडी हो गया है। देखिए अब हम इसको साइड में रख देते हैं, तब तक हमने इसको 15 घंटे के लिए परमानेंट होने के लिए रखा था। अब हम फिलिंग के लिए सब्जियां तैयार कर लेते हैं। ये फिलिंग तैयार करेंगे। अब हमने 6 पोटैटो लिए थे बॉइल्ड, अब इसको हम रफली हैंड से मैश कर लेंगे। स्मॉल पीसेस ऐसे ही हैंड से कर लेंगे। देखिए हमने कर लिए हैं। अब हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। तो ये हमने इसमें गार्लिक ली है, 6 से 7 गार्लिक लिए महीन चॉप, और ये ग्रीन चिली लिए है, कुछ लंबे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, कुछ बारीक चॉप किए हैं। और ये पनीर हमने छोटे लिए थे, और ये 1 टीस्पून जीरा, 1
टोमेटो हमने रफली कट कर लिया है और वन स्मॉल अनियन है इसको हमने स्लाइस में काट लिया, वन स्मॉल अनियन हमने बारीक काट लिया है। तो अब हम चलते हैं फिलिंग तैयार करने के लिए। हमने कढ़ाई रखी है, अब हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें जो हमने गार्लिक महीन चॉप्ड की थी इसको हम डालेंगे। और ये ग्रीन चिली जो लंबे स्लाइसेस और महीन कट किए थे, 3 से 4 हमने लंबी स्लाइसेस कट कर ली थी ग्रीन चिली की और 2 ग्रीन चिली हमने महीन चॉप्ड कर ली थी। तो ये हल्का सा हमने ऑयल में फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। अब हम इस पनीर को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके स्मॉल पीसेस ही रखिएगा, ज़्यादा बड़े पीसेस पनीर के फिलिंग में अच्छे नहीं लगते हैं। और थोड़े से देखिए थोड़े फ्राई हो गए हमारे। अब इस स्टेज पे हम थोड़े से नट्स भी इसमें ऐड करेंगे जो जिसका टेस्ट फिलिंग में काफ़ी अच्छा आता है। तो हमने 1 टेबल स्पून हमने किशमिश ली है और 6 से 7 काजू के पीसेस स्मॉल छोटे कट कर लिए। इन सबको हम इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। रोस्टेड नट्स का टेस्ट अच्छा आता है फिलिंग में। और ये अनियन जो हमने एकदम बारीक स्लाइसेस काट ली थी और ये जो महीन चॉप्ड किए थे हमने अनियन, इन दोनों को भी फ्राई कर लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को हमको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, देखिए हल्का सा, और फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हमको सब सब्जी फ्राई करनी है। और ये 1 टीस्पून हमने इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। अभी हम सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे इसमें, पहले पोटैटो फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो देखिए सब्जियां हल्की सी फ्राई हो जाए हमारी। हल्के से देखिए मीडियम आंच पे हमारी फ्राई हो रही है। ये हमने रेड चिली पाउडर ली है, 1 टीस्पून लिया है। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, अगर ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ग्रीन चिली इसमें पहले भी ऐड कर दी है, लेकिन रेड चिली डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है और कलर भी फिलिंग का अच्छा आएगा वेजिटेबल्स का। और फिर टमाटो हमने जो चॉप्ड किए थे वो हमने डाल दें, इसको हमको ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा बस फ्राई हो जाए हमारे टमाटो। इसके हमने सीड्स निकाल दिए थे और ये पोटैटो अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से सब कितनी अच्छी फीलिंग हमें लग रही है, कलर कितना बढ़िया आया है फीलिंग का हमारा। जो पोटैटो के बड़े पीसेस रहेंगे उसको हम हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। देखिए अब हम इस स्टेज पे अब हम नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, वैसे हमने 1.5 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन इस पोटैटो को हमको सब सब्जियों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है।
तो हमारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं। अब हम ऊपर से इसके ऊपर जिंजर, हाफ इंच जिंजर लिया है, जो हम इसको ग्रेटेड करके सब्जी के ऊपर से डालेंगे। देखिए ग्रेटेड कर लास्ट में ग्रेटेड जिंजर से फिलिंग का टेस्ट और अच्छा रहता है। अब हम इसको ग्रीन कोरिएंडर लीव से इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, इसे मिक्स करेंगे, इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये 1 टीस्पून लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। लेमन जूस डालने से फिलिंग का टेस्ट, ये सब्ज़ी जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा हल्का सा खट्टापन लगता है, जिससे सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा लगता है, इसलिए आप इसको ऐड करिएगा। अब हमारे ये बैटर, अब हम देखिए इस कंसिस्टेंसी पर हमको ये रखना है। इसमें हमने नमक ऐड कर दिया था, बनाने के 1 घंटा पहले हमने इसमें नमक हल्का 2 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ऐड कर दिया था। अब हम ये लोहे के तवे पे हम डोसा बना रहे हैं। आप लोहे के तवे पे डोसा बनाने के पहले तो तवे को हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, और उसके बाद उस पे ऑयल से ग्रीस करके उस पे पानी का छींटा डाल के पहले बराबर कर लीजिएगा। तवा चारों ओर से बराबर गर्म हो जाए, फिर डोसे को बैटर को इस तरह से आप उस पे पूरी तरह से स्प्रेड करिएगा, फैलाइएगा, और लो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिएगा तवा, नहीं तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा और बैटर आपका चिपकने लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा डोसा फैलाने में, और फ्लैट तवा लीजिएगा डोसा बनाने के लिए। देखिए कितना बढ़िया डोसा हमारा स्प्रेड फैलाया हमने, और साइड साइड से हमने ऑयल इसमें डाल दिया कि ये अंदर से क्रिस्प हो जाए। देखिए नीचे तवा हमारा डोसा नीचे से सिक चुका है। अब हम इसको साइड से हल्के से निकालेंगे, चारों ओर से पहले हल्के हल्के से हम इसको उठा लेंगे। पहले साइड से चारों तरफ से हम करेंगे, हमारा बीच में डोसा अपने आप से आराम से अच्छे से निकल आएगा। देखिए कितना क्रिस्प लग रहा है डोसा। अब हम बैक साइड से, वाओ कितना क्रिस्पी डोसा हुआ है हमारा। अब इसको हम बैक साइड से भी हल्का सा सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा हमको पीछे बैक साइड में बेक नहीं करना है, हल्का सा करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, क्योंकि हमको उसमें अंदर बैक साइड पे फिलिंग करनी है। देखिए कितना बढ़िया हुआ है। अब हम इस स्टेज पे अब हम इसमें फिलिंग जो हमने बनाई थी उसको हम रखेंगे। आप फिलिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 2 टेबल स्पून फिलिंग ली है। इसको आपको जिस साइज़ में डोसा आपको जिस शेप में करना है उस हिसाब से फिलिंग इसमें एडजस्ट करिएगा। मैं लंबे में कर रही हूँ, उसको हल्के से रोल करते हुए डोसा, देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी डोसा रेडी हुआ है बनके। वाओ बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में डोसा। इसको हल्का सा ऑयल लगा करके हम इसको और थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया डोसा बन करके तैयार हुआ है, वो भी घर पर लोहे के तवे में। इसको आप लोग ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए, और लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, एंजॉय करिए। ओके बाय।